नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे अपने वेबसाइट में कोई नया मॉड्यूल इंस्टॉल करें। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले लॉगिन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पैनल पे। के लिए लॉगिन हो गया। यहाँ पर ये देखिए मॉड्यूल्स का लिंक है, इस पर क्लिक किया। देखिए अभी तक कोर ड्रूपल 7 के कोर मॉड्यूल ही इंस्टॉल है। देखिए ये ड्रूपल 7 के कोर मॉड्यूल है, हम इसमें एक नया मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं। तो पहले मॉड्यूल सर्च करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं मॉड्यूल फिल्टर डाउनलोड करता हूँ, जो कि मॉड्यूल को सर्च करने के लिए हेल्पफुल होता है। ये है, डाउनलोड करते हैं। एक्सट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, इसको कॉपी करते हैं इस फोल्डर को। और अपने प्रोजेक्ट में ड्रूपल 7 में साइट के अंदर, ऑल के अंदर, मॉड्यूल के अंदर यहाँ पेस्ट करते हैं। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, जो हमारे कोर के मॉड्यूल थे वो हमारे अपने प्रोजेक्ट के अंदर मॉड्यूल्स, ये सारे अपने कोर के मॉड्यूल हैं। और जो हम कंट्रीब्यूट जो मॉड्यूल हम रखेंगे, मॉड्यूल्स जो हम रखेंगे अपनी साइट में यूज़ करेंगे, वो ऑल के अंदर और मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिया, आइए इसको आप इनेबल करते हैं। मॉड्यूल्स पे जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटर पे मॉड्यूल फिल्टर आ गया। इसको यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव कन्फिगर कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये चेंज हो गया। अब आप कोई भी मॉड्यूल को आपको सर्च करना है तो आप सर्च का यूज़ करके उसका देख सकते हैं उसको आप। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।